इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए। उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। देखिए वहाँ पे भी अपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है। ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया। हमें जो समझ आई है ना वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। तरक्की याफ्ता मुल्क मान चुका है अब इंडिया, आज़ाद मुल्क है। वो ईरान से भी तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है तेल ले रहा है, उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता। असल में ये जो पेपर वर्क होता है ना गवर्नमेंट का, ये काफ़ी लंबा होता है। इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि प्रोजेक्ट को बनाने में अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा कितना होगा। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पर डॉलर जो है वो 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। और मेन चीज़ जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो ये है कि कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती, और कोई वीक ऑलमोस्ट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की जाती। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इंडिया की गवर्नमेंट की तारीफ करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है इन दिनों में, पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इंडियन गवर्नमेंट की अपने कंट्री को लेकर क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये सब बातें करूँगा पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इरफान अहमद। क्या करते हैं? लॉयर हूँ। लॉयर हैं, एडवोकेट हैं आप, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप लॉयर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी नज़र होगी, जो काम हो रहे हैं उन पे भी, कोई एक प्रोजेक्ट बस बताना है गुज़िश्ता एक साल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए लॉन्च किया, कोई एक प्रोजेक्ट। देखें पिछले एक साल से ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। इस वजह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया जिससे पब्लिक की वेलफेयर हो, आम आदमी की वेलफेयर हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और अदारे जो हैं अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन्स वगैरह को रीन्यू किया है, ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन को, मतलब ट्रेन को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट? असल इशू ये है कि वहाँ पर आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है, एक दफ़ा भी शायद माशाल्लाह नहीं है यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, ठीक है। तो बात यह है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, सारी बात है। एक पार्टी उसे दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ होगी, नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का, पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ख़राब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान? पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा, आफ्टर ऑल पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? आप कानून दान हैं, मतलब कानून के आप लॉयर हैं, मुझे बताएं कैसे कानून के दायरा में रहते हुए मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो? देखें जी, एक मकूला है, नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ।
जब तक ये दोनों मकूले हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ आप देखते हैं, बीइंग लॉयर मैंने भी वॉच किया है कि आम आदमी के लिए एक कानून है, दूसरे जो अमीर लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, अशराफिया मैर साहब फरमा रहे हैं, हमारे सीनियर लॉयर हैं, अशराफिया जो है उनके लिए एक पावरफुल शॉर्ट मतलब एक दो अदारे ऐसे हैं जिनके लिए इस मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, ठीक है, नाम भी नहीं हम ले सकते, इतना सख्त माहौल है। अच्छा ये बताएं, इसका मतलब अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में आए दिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर लॉ है? सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें, देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, देखें उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें आप, अपने देख लें वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए, उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पर डेमोक्रेसी का एक पोलिटिकल गवर्नमेंट आती है, देखिए वहाँ पर भी अपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है, ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया जाता है। बोला इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, वैसे मैं कंपैरिजन के लिए नहीं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात करता हूं, हम फिर बांग्लादेश के साथ कर लेते हैं, वो तो हमारे वो से भी हमसे आगे है, अब हम कल को कहेंगे उसके साथ भी ना कंपेयर करें। यार कहने की बात है ना, देखिए पहले आप जो अपने अदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, उनको मजबूत करें, ठीक है, उसके बाद फिर जो ये बातें हम कर सकते हैं ना, ये डिबेट हो सकती है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, बल्कि अपने आप को, अपनी जात को ठीक करना है, उसके बाद अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर हमें किसी और के बारे में बात करने की जरूरत है। ये इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम किसी की एग्जाम्पल देंगे शायद तभी हमें होश आएगी, हमारी गवर्नमेंट को होश आएगी कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए, उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है, वो वहाँ पे डॉलर जो है वो 92 के 80 रुपीस का है, अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है, जिसने दो तीन दहाइयों से जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है, ठीक है, तो बात बड़ा दुख होता है, मतलब बेहतरी लानी है, ठीक है, बहस हो गई, वीडियो भी बन गई, सारा कुछ बेहतरी लानी है। जब तक अशराफिया ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अपना पाँव नहीं घसेड़ना छोड़ेगी, उस वक्त तक ये पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा, मुल्क आगे नहीं जाएगा। कुछ उम्मीद नज़र आती है, अवेयरनेस अवाम में, पब्लिक में आ रही है, ख़ासतौर पे यूथ की बात की जाए, अवेयरनेस आ रही है? जी आई है, अवेयरनेस आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने बहुत से हमारे, चाहे बच्चों ने किताबें छोड़ दी हैं लेकिन सोशल मीडिया को वो नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया से पहले ऐसे टॉपिक्स कभी आपने देखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये चीज़ें तो बहुत दूर थी ना, हम आम आदमी जो है बताया नहीं था ना जाता कि इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बंगला, हमें तो ये आप देखें, एक मिडिल क्लास का बच्चा है ना, उसके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, उसके अंदर वो सारी दुनिया को सर्च कर रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, ठीक है, वो सारी दुनिया को सर्च कर रहा है, जब वो सारी दुनिया को सर्च करता है तो फिर वो कंपेयर करता है, जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कंपेयर करेंगे तो ही देखें हमें समझ आएगी कि यार वो ग्रो कर गया, हमें भी करना, हम क्यों नहीं कर रहे, ये बात पॉलिटिशियंस उनके और हमारे में कोई फ़र्क है? मेरा ख्याल 19-20 का फ़र्क होगा, हाँ, पॉलिटिशियन उनका भी बेईमान है, हमारा भी तकरीबन बेईमान है, ठीक हो गया, वहाँ पे भी करप्शन के आए दिन केसेस नज़र आते रहते हैं और उनकी गवर्नमेंट काफ़ी वर्क कर रही है इसके ऊपर। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जब इस तरह के सीनियर सिटीजन होंगे, समझाने वाले लोग होंगे तो शायद ठीक है, मेच्योर सिटीज़न होंगे तो फिर शायद हमें, हम जैसी जो यूथ है उन्हें मोटिवेशन मिलेगी और हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन मलिक। आपका नाम? मोहम्मद गुफरान। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए, गुज़िश्ता एक साल में जो साल गुजर गया, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछें, वो बता देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं, खुद कहते हैं हमें मिले, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया, कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें, हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में ही कहीं जाना है तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, कोई पहले बसों का निज़ाम होता था वो ख़त्म कर दिया गया है, कम अज़ कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए।
इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में उसकी जो उनसे ना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है, और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। वहाँ पे अवाम के वोट से आती है, वहाँ से अवाम के वोट से आती है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, यहाँ पर अंपायर को खुश करने के लिए किया जाता है। वो आज़ाद मुल्क है इंडिया, हमारा आज़ाद मुल्क है, थोड़ा सा बताएं क्या? देखें ना, आज़ाद मुल्क हम होते तो आज हम आगे वोट की अवाम इतनी निकली है बाग, हम आगे वोट की वैल्यू होती। ये तो बात है, जिधर वोट की वैल्यू नहीं है वो आज़ाद कैसे होगा, पब्लिक की जहाँ पर वैल्यू नहीं है। मेरा जो इन्होंने बात की है, मैंने इन्हें बताया कि वहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आप जाके एक दफ़ा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, कभी रेल पता है, हमारा इंजीनियर का काम है, हमें पता है वहाँ पे कितना, वहाँ भी सारा काम है। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट पूरे साल में बता दें कि यार ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे, छोटा मोटा कोई नहीं मना। क्या वजह है, वजह क्या? इधर हर बंदे अपने पेट की है, हुकूमत को भी है, इमरान खान कोई भी है, कोई भी सियासत है, सबको अपनी कुर्सी की लालच है बस। कसूरवार कौन है? हम अवाम, पब्लिक कसूरवार है, गवर्नमेंट कसूरवार है, अवाम कसूरवार है। अवाम निकलेगी एक पेज पे आएगी तो हुकूमत सीधे आ चढ़ेगी। अवाम पब्लिक निकली तो है इमरान खान साहब के साथ, निकली है क्या मना है, बचाएगा गोली मारेगा उसको भी घर बिठा दिया है, अवाम वहीं की वहीं है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो अपनी मुल्क के लिए सोचते ना, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है बस। इंडिया की गवर्नमेंट अगर अपनी पब्लिक के लिए कर रही है तो उन्हें देखें अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे कंट्री में भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन इमरान खान साहब ने भी कल अप्रिशिएट किया कि भाई वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को नहीं अकल आती कि यार हम भी अपनी पब्लिक के लिए करें, अपना ही फ़ायदा? ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को करना चाहिए। तो जिस वक्त ये गवर्नमेंट में था, जब ये गवर्नमेंट में था उस वक्त इसको बात याद नहीं आती थी? सर वो तो 3 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, और मैं सिर्फ उनकी फेवर नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या है एक साल में। कोई एक का हर मुल्क जो है ना, अल्लाह के फजल करम से सबका मालिक एक ही है, रहीमो करीम है, रब्बिल मुसलमीन रब्बिल आलमीन है। सब मुल्क जितने भी हैं ना आगे आगे जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बहुत ऑनर इज़्ज़त दिया, लेकिन ये अपनी जो इसके ठेकेदार है ना, उसकी वजह से ये पीछे है, पीछे जाता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट को अगर अकल है कि यार हम अपनी पब्लिक के लिए काम करेंगे, हमारा भी फ़ायदा है, पब्लिक का भी फ़ायदा है, तो हम क्यों नहीं सीखते? यहाँ की जो हुकूमत है उसको ज़्यादा अक्ल है इंडिया वालों से, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी औलादों को आगे लाने के लिए अंपायर की उंगली के पीछे लगे हुए हैं। अंपायर कौन है? अंपायर एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, अंपायर एस्टैब्लिशमेंट ठीक है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो देखने वाले समझ चुके हैं। आप क्या बेहतरी कैसे आ सकती है? यूथ हैं हम, मैं भी यूथ हूँ, हमने ही मिल के पाकिस्तान को आगे लेकर जाना, कैसे बेहतरी आ सकती है? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अगर इमरान खान अगले 5 साल आए इंशाल्लाह हमारा मुल्क ऊपर जाएगा पाकिस्तान के लिए। 3.5 साल हुकूमत की है, 75 साल का गन 3.5 साल में साफ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, यानी यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की टांग खींच लेती है, उसे वर्क नहीं करने देती, उसके प्लान को पूरा नहीं होने देती, तो इंडिया में भी तो पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, ठीक है, तो वो कैसे काम कर लेते हैं? असल में उनकी जो हल्दिया है ना, वो उनके साथ है, अदालत हाँ उनके साथ है। यहाँ पे तो अवाम हुकूमत अल्दिया का कोई एक बयान मिलता ही नहीं है। हमें सीखना चाहिए, अगर वहाँ की गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही है अपनी पब्लिक के लिए तो सीखना चाहिए। जी ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि वहाँ पर देखें सिर्फ वो इनॉग्रेशन नहीं कर रहे, दूसरे जो बड़े बड़े कंट्री, इवन अमेरिका के प्रेजिडेंट ने तारीफ़ की है, कभी रशिया का प्रेजिडेंट, और इवन हमारे इमरान खान साहब भी गया उधर, सऊदी का भी गया उधर वहाँ। हम तो ये कहते हैं वो तो हिंदू हैं, वो तो ऐसे हैं। मैंने पहले सऊदी से बोला आपको, आपने शायद सुना नहीं, रब्बिल मुसलमीन रब्बिल आलमीन है, हमारी नीयत अच्छी होगी इंशाल्लाह हमारी मदद भी होगी। तो सऊदीया वाले भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर हो गए भाई? देखो ना वो गया है ना, की नहीं तारीफ? जब जाता उधर कोई आदमी तो काम लेने जाता है, कोई काम के लिए गया ना, जो हकीकत है वही है मेरे भाई। हम क्यों नहीं सीखते? हम सीखना चाहिए ना हमको, हम नहीं सीखते, और वजह क्या, रुकावट क्या? यही है ना, वो अभी आपने बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं, मैं आपकी टांग खींच रहा हूँ, सच्ची तो यही आपकी बात है ना।
ठीक है ना यार, ये ऊपर चला जाए एक दूसरे पे, ये भाई की जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले आप अपने घर से शुरू करें फिर ऊपर तक जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये मेरी दुआ है। आले नबी के सदक़े में सब जितने रहने वाले हैं इस मुल्क में, रब्बे करीम के सदक़े में सलामत रहें और अल्लाह ताला इस मुल्क को नज़रबद से बचाए। मेरी भी यही दुआ है कि ये मेरा पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन सिर्फ दुआ से शायद नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकली भी कुछ करने की ज़रूरत है। हमें वो जिम्मेदारियां अपनी समझने की ज़रूरत है, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, अदारों को अपने अपने लिमिट्स में रह कर अब पाकिस्तान के लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर जैसे इन्होंने कहा कि ना सिर्फ USA, ना सिर्फ रशिया, बल्कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं वो भी इंडिया में गए हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो मजबूर इसीलिए हैं कि इंडिया वालों ने मजबूर किया है। ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने कभी आओ, वो इस काबिल है, मेरे साथ काम करो, काम करो। वो गए हैं, काम किया उन्होंने, उनके साथ बातचीत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह तरक्कियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत लाएगा, है भी है, हर चीज़ है इधर। क्या वजह है कि कभी सऊदीया के प्रिंस वहाँ पे जाते हैं, कभी रशिया जो उनसे तरीफ करता है, कभी अमेरिका, कोई वजह, या हम यही कह देंगे ये तो जी इंटरनेशनल तरक्की याफ्ता मुल्क मान चुका है अब इंडिया, आज़ाद मुल्क है। वो ईरान से भी तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है तेल लेगा, उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता, रोकता नहीं है, अमेरिका रोका भी है लेकिन वो रुके नहीं, नहीं रुके, उन्होंने बोला हमारी अपनी पॉलिसी है, पहले हमारी आवाम है उसके बाद हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज़ वो जानते हैं जो जब रशिया के हवाले से सैंक्शंस लगाई थी अमेरिका ने इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी, ये वो बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने ऑयल लिया, हमने नहीं लिया। इस टाइम ईरान में 15 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल पाकिस्तान को मिल सकता है, लेकिन नहीं लेते ईरान हमारे आते, और इंडिया वाले ले रहे हैं, वो क्यों कैसे ले रहे हैं, उन पे प्रेशर नहीं आता, कोई प्रेशर नहीं, वो आज़ाद मुल्क है, तो हम नहीं आज़ाद, 1947 में हो गए थे आज़ाद, यहाँ पे सिर्फ डॉलर जो है ना वो जेब में जाए, आवाम जाए बाहर। हम सीख क्यों नहीं लेते, हम समझ क्यों नहीं जाते कि यार वो भी तो हमारे जैसे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, उनमें यूनिटी है, हम में यूनिटी क्यों नहीं आ रही, ये हमारे हुक्मरान बेहतर जानते हैं। सिर्फ हुक्मरानों का कसूर है, मेरा या आपका कसूर, हमारा कसूर क्या है आप हमें बताएं, हम हर चीज़ बताएं, हमारा क्या कसूर है, हमारा यही कसूर है कि हम सुबह उठते हैं वो क्या हो गया भाई, बड़ी महंगाई हो गई, ओहो हो दड़न करके गिर गए उधर, हमें जो अच्छी सोच नहीं आती हमारी, किसी तरफ आने नहीं देते हमें किसी तरफ के पास, ये हो गया वो हो गया, अपने चक्करों में हमें डाला हुआ है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि सिर्फ यहाँ पे जितनी भी अवाम है, मैं अभी मज़ीद लोगों से पूछूंगा, आप मुझे बता दें गुज़िश्ता एक साल में कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट, ये नहीं कि कोई गली बना दी, कोई रोड बना दी, नेशनल लेवल का कोई प्रोजेक्ट, कोई एक, अभी तो फिलहाल हुकूमत की लड़ाइयाँ देख रहे हैं, दूसरे की टांग खींचते देख, आप बताएं कोई एक बता दें, कोई नहीं, जहन में है ही नहीं ऐसा काम, कोई प्रोजेक्ट अभी तक तो हमें नजर नहीं आया कि कोई बन रहा हो, कोई हमें भी समझ आए कोई नजर है, कोई कुछ भी नहीं है इस तरह का फिलहाल, ये सच्चाई है। और ये जब आईना दिखाया जाता है कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ और किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हमें पाकिस्तान को बेहतर बनाना है और इस बारे में सोचना है। इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो दिन ब दिन, इंडिया में पार्टियाँ भी हैं मुख्तलिफ लेकिन उनमें हमारी तरह नहीं है, वो एक दूसरे के साथ भी करते हैं, हम लोग रात को सोते हैं कुछ होता है, सुबह उठ के देखते हैं तो कुछ और होता है, हमारे हुक्मरानों का जहन एक जैसा नहीं होता, बस देख ले शुरू से इमरान खान की हुकूमत हो या शरीफ की हुकूमत हो, कुछ भी काम, कुछ भी नहीं काम हो रहा, साल में 6 माह तकरीबन इमरान खान की हुकूमत थी और 6 माह ये भी नून लीग की, यानी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो पूरे साल में कोई एक प्रोजेक्ट आप नहीं बता, नहीं देखे जहाँ पे महंगाई थी बस वहाँ पे रुक गई है। आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई एक प्रोजेक्ट बड़े लेवल का जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो एक साल में, गुज़िश्ता एक साल में, कोई एक बता दें, नहीं हमें नहीं याद कोई ऐसा, कोई भी नहीं, आप बताएं कोई एक काम बड़ा जो अवाम ने किया, कोई भी नहीं ऐसा। ये देखें जी, ये रैंडमली मैं लोगों से पूछ रहा हूँ और बहुत दुख भी हो रहा है और मेरे लिए भी सोचने वाली बात है, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए सोचने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदन जिया। क्या करते हैं? मैं एक्सियन इरिगेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसका मतलब है। जी जी। मैं फिर आपसे ही सख्त किस्म का सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल का लॉन्च किया हो, इनॉग्रेट किया हो, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं। गवर्नमेंट ने छोटे छोटे तो काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च किए, वो गली मोहल्ले कोई रोड बना दी, अंडरपास बना दिया, वो नहीं, कोई ट्रेन अगर लाए हैं हम अपनी, कोई हमने एयरपोर्ट बना दिया, कोई हमने अगर डैम बना दिया या इनॉग्रेट किया कुछ। असल में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस जो सबका थे उनके साथ मिलकर फंड तो इकट्ठा किया हुआ है,
उसके साथ उनके ऊपर तो बहुत पुराना, वो तो 4 साल शायद हो चुके हैं, तीन चार साल हो चुके हैं, वो भी अभी हुआ कुछ नहीं, सिर्फ पैसे इकट्ठे हुए हैं। असल में ये जो पेपर वर्क होता है ना गवर्नमेंट का, ये काफी लंबा होता है, इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि प्रोजेक्ट को बनाने में अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो इसका हमें फायदा कितना होगा। ठीक है, चेक एंड बैलेंस होता है। ये बताएं, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है पब्लिक के लिए, उनकी पब्लिक के लिए, अभी आज उन्होंने एयरपोर्ट लॉन्च की इनॉग्रेशन की है, कभी वो ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाते हैं, कभी वो डैम बना रहे हैं, क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट इतना तेजी से वर्क कैसे कर रही है, वहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता? असल में हर डिपार्टमेंट का अपना काम है, हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट है, इसमें गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट ने काम किया वो ई आबयाने का किया है। मतलब आप लोग अब मोबाइल के ज़रिए अपनी ज़मीन का जो आबयाना है वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। पहले ये जो काम था ये तहसीलदार को हम खतौनी भेजते थे, वो खतौनी बना के वो नंबरदार को देती थी, नंबरदार बहुत लगता था पब्लिक को ज़्यादा जो सा वो, हाँ जी, और उसमें रिश्वत भी कुछ लोग बीच में करते सिस्टम को आपने ऑनलाइन करने की कोशिश, ऑनलाइन करने के लिए ई आबयान हम लेके आए जिसके जरिए ना बिल्कुल ये सहूलत ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम है और ये पूरे पंजाब में इरिगेशन डिपार्टमेंट में नाफज हुआ है। ये बताएं, जो मैंने क्वेश्चन किया कि इंडिया की गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, उसकी क्या वजह है, मतलब वहाँ पे तेजी से काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत स्लो काम हो रहे हैं? असल में हमारे यहाँ हुकूमत की जो स्टेबिलिटी है वही नहीं है। आज देखें हर हुकूमत का कोई पता नहीं चाह रहा कि कल किसकी हुकूमत होगी, परसों किसकी होगी। हाँ, इन्होंने जो बात किया उससे मैं एग्री करता हूँ कि स्टेबिलिटी होगी, और पहले भी लोग ये कह चुके हैं कि स्टेबिलिटी होगी तो ही कोई प्रोजेक्ट आगे हो सकेगा। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान खान। आपका नाम? मोहम्मद जईम। मोहम्मद जईम और इमरान खान। यस। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि गुज़िश्ता एक साल में कोई एक प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए लॉन्च किया हो नेशनल लेवल का, कोई थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट? कोई नज़र नहीं आया दो साल के अंदर, साल के अंदर भी कोई नज़र नहीं आया हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। जी, अगर इंडिया की बात की जाए, वहाँ आज भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो है टर्मिनल 2 लॉन्च हुआ है, और हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते हैं, वजह क्या है यहाँ की गवर्नमेंट में और वहाँ की गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है, मसले हमारे क्या हैं? बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट आई है ये तो अपने किस्म के केसेस ही ख़त्म कराने आई है, जो नई रिजीम चेंज के बाद 6 माह हुए, उससे पहले के 6 माह में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें? उससे पहले जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसने बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, कोई बता दें, डैम बादशाह डैम, ठीक है, उसके बाद आप देख लें ये जो इसने पनागा वगैरह किया है, ठीक है, लेकिन वो एक साल नहीं, वो तकरीबन तीन साल पहले की बात है। नहीं, सेहत का हेल्थ कार्ड भी जो गरीबों को बड़ा फायदा हुआ है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जी जी। अच्छा, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कीजिए, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कभी वो रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, कभी वो अपना नई ट्रेनें लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, वजह क्या है? वहाँ पे भी तो मसाइल होंगे, वहाँ पे भी तो पार्टियाँ आपस में लड़ती होंगी, सियासी पार्टियाँ, फिर भी वो क्यों ग्रो कर रहे हैं? बस उनकी इकॉनमी सही है हमारी निस्बत, ठीक है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है हमसे, ठीक है, उनके आईटी का शोभा जो उनका है, ठीक है, यानी कि पैसों के अलावा कोई और चीज़ वजह नहीं है, और सेम पाकिस्तान की तरह ही है। और क्या कहना चाहेंगे, और कोई इशू नहीं वहाँ पे? इशू है, मैं कहना चाहूँगा लोगों की सोच पे फ़र्क है, असल में, क्योंकि इधर आप सपोज करें उधर कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है तो उसकी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, इधर आपने देखा होगा रिसेंटली कराची में एक एटीएम मशीन की इनॉग्रेशन कर रहे थे तो वो उन्होंने बेसिकली किया हुआ था, तो सोचने वाली बात है, हम एटीएम मशीन की इनॉग्रेशन करते हैं, कोई दो बसें आ जाएं चाइना से उसकी इनॉग्रेशन, सही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं फिरा, बिल्कुल। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या वजह है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी नए से नए आ रहे हैं, और इवन दूसरे बड़े बड़े कंट्री, यूएस हो गया, रशिया हो गया, इवन अब सऊदी अरब भी जो है वो तारीफ कर रहा है कि यार इंडिया बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो एतमाद में लेते हैं, हम किस तरह एतमाद में ले और कौन ले एतमाद में ले जाएंगे, अब ऐसे वो लेते हैं वैसे हम, अब शहबाज शरीफ को भेजेंगे एतमाद में लेने के लिए, वो थोड़ी एतमाद करेंगे इस तरह, ये भी तो देखें ना। सोचने वालों के लिए बात है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जाएंगे कि किसी को एतमाद में लिया जाए तो कैसे एतमाद में आएगा, बेहतरी कैसे आएगी? यही बात है ना, कैसे बेहतरी आएगी? तो ये खुद को ठीक करें ना, ये हमारी आवाम की ये सोच है, खाता है तो लगाता है, अब 90 रुपये खा के वो 10 रुपये लगा रहा है तो उसमें हमें क्या फ़ायदा है? अच्छा, मुझे ये बताएं, हमेशा पब्लिक से अगर बात की जाती है वो यही कहते हैं यार वो गवर्नमेंट नहीं ठीक, ये गवर्नमेंट नहीं ठीक, वो अदारा नहीं ठीक, ये अदारा नहीं ठीक, मेरा नहीं कोई कसूर, आपका कोई, मतलब पब्लिक का कोई नहीं ठीक, हम खुद नहीं ठीक,
तो हम ठीक होंगे तो बिल्कुल, जहाँ पे हमें 10 रुपए बचते हैं हम वहाँ पे करप्शन कर लेते हैं। यूनिटी नहीं है, करप्शन करते हैं, और इसके अलावा लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है, ये नहीं कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रहा हूँ, शायद इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। आइए मज़ीद किसी से बात, अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि देखें, हमें सीखने की ज़रूरत है, एज ए नेशन हमें सीखने की ज़रूरत है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर इंडिया में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर हम भी अपनी पब्लिक के लिए काम करें। पब्लिक खुश होगी तो ही गवर्नमेंट चलेगी, पब्लिक खुश नहीं होगी तो गवर्नमेंट पहले ही नहीं चल पा रही, तो फिर मज़ीद चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।